पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र के गुलाबाग लोहापट्टी चौक के समीप भीषण सड़क हादसे में एक लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर बैठे दो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। घटना के संदर्भ में स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि सीमेंट से लदी ट्रक खुशकीबाग से 0 माइल की ओर जा रही थी और इसी दरमियान एक बाइक सवार भी 0 माइल की ओर जा रहा था। इसी दरमियान ये घटना घटी है, जिसमें एक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक एवं मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं घटना के बाद गुलाबाग पूर्णिया सड़क मार्ग पर काफी देर तक जाम रहे। जी, फोन के माध्यम से पता चला कि रवि मेहता का एक्सीडेंट गुलाबाग 0 माइल में हो गया है और 3 व्यक्ति थे, शायद 2 घायल हैं और इसका एक्सपोर्ट डेथ हो गया है। ये महिंद्रा शोरूम में काम करते थे, हरदा बाजार के वार्ड नंबर 2 निवासी हैं। सनौली चौक पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दुर्घटना हुई, तो फिर आकर हम लोग देखे तो ट्रक से उसकी स्पॉट डेथ हो गई है। घायल भी है, 2 व्यक्ति घायल। उनके पास से कोई आई कार्ड मिला है? क्या पहचान क्या हुई? रवि मेहता के नाम से। और रेड पॉइंट का जो गाड़ी आता है वे अक्सर जो है गुलाबबाग के रोड किनारे ही लगा देते हैं, जिसके कारण ये बार बार एक्सीडेंट होता है। और ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। मृतक का भी पहचान तो कोई रानी पत्रा बता रहा है, कोई हरदा बता रहा है, लेकिन 25 ऑटोमोबाइल का उसके पास कार्ड है। हाँ, इससे पहले भी घटना बहुत बार घटना हुआ है।